जी वेलकम टू तो डिक्रिप्टर्स लेट्स डिकूड द मार्केट्स अच्छा मैं काफ़ी दफ़ा अनाउंस कर चुका हूँ कि यार हम इस वीक में इनफैक्ट थर्ड जनवरी से हम प्रॉपर स्ट्रेटिंग स्टार्ट करेंगे और वो भी आ, क्योंकि ये मिड ऑफ वीक बन रहा है तो उसके बाद जो मंडे आ रहा होगा उसी को हम करेंगे यानी कि आप सेकेंड वीक ऑफ जनवरी एक तरह से कह लें अंटिल दिसंबर ठीक है तो अब हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है तो ऑब्वियसली उसके दो तरीके हैं सब्सक्रिप्शन uh, मॉडल भी है आईपी वाला मॉडल भी है और आई थिंक हम काफ़ी ऑलरेडी ऑफर दे चुके हैं जिसने अवेल करनी है वो करेगा जिसने नहीं करनी तो आई थिंक उसको आप अगर प्लेट में रख के और चम्मच से आप खुद भी खिलाएँ तो उसने अवेल नहीं करनी चीज़ तो जो हमारे साथ दो में जुड़ना चाहता है ताकि क्रिप्टो फंडामेंटल फॉरेक्स स्टॉक मार्केट मैक्रो अनिसिस माइक्रो अनलिसिस जियो हर तरीके से हर चीज़ साथ चले और प्रॉपर जितना उसका लॉस हुआ है उसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ कवर कराया जाए मैं आपको कोई सबज बाग नहीं दिखाऊंगा कि इतना है परसेंट बन जाएगा इतना गेन हो जाएगा नथिंग कुछ भी नहीं है ठीक है कोई जादू की छड़ी नहीं है कुछ भी नहीं है हमारे पास सिर्फ आपको ये कर आपको ये सिर्फ यह गारंटी है कि आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा और आपका लॉस नहीं होगा अगर आप सिग्नल और रूल फॉलो करेंगे और वंस आपने ये चीज़ कर ली तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बनता है ट्रस्ट में आप जितना पैसे के पीछे भागोगे इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर उतना पैसा आपसे दूर जाएगा ठीक है काफ़ी लोग जो है वो मुझे एक दो दिन से स्क्रीन शॉटें भेज रहे थे गोल्ड के अंदर इतना बना लिया इतना बना लिया आठ सालों के अकाउंट उड़े हुए थे मना किया था कि सेल नहीं करनी ये लेवल क्या बताया था कि यार 88 से 78 से सेल देखना 78 के पास कहाँ से आपके पास सेल बनी है ठीक है ये आपके पास कैंडल अगर चार घंटे का चार्ट चार खोला जाए ये 78 एट का एरिया ठीक है थीके? सेवेंटी एट मार्केट किधर तक आई है सेवेंटी सिक्स तक अगर हाँ इसमें दो डॉलर की मूव पे अगर आपने एक एक स्टैंडर्ड दो दो स्टैंडर्ड के लॉट मार के पैसे बनाए हैं तो बस फिर आपका जिगर है भाई मैं तो आपको यही बोलूँगा मैं आपको पता है स्टॉप लॉस किधर लगाना है फिर अकाउंट उड़ना ही है ना अपने आपका एटी एट से प्रॉपर सेल बनी थी और वो मैंने ट्रेड अभी फ्री ग्रुप में डाली भी है ठीक है अच्छा फ्री ग्रुप में काफ़ी बंदे जिस उसके अंदर हो गए कि वहाँ पर कुछ स्ट्रेडेज आएंगी भाई उधर आपको ऑलरेडी ऑफर्स दे चुके हैं आई थिंक That इज़ मोर देन इनफ तो फ्री group में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चलने लगी हाँ बहरह हम ओपन करने का सोच रहे हैं उसमें आपके मसले हल किए जाएंगे और जो ट्रेड हम बताएंगे, उस पर अगर आपने कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आप पूछ सकते हैं ठीक है ये वीडियो में ऑब्वियसली कोई बात है अपार्ट फ्रॉम डैट ऐसा उसमें कुछ हम लेके नहीं चलेंगे ज़्यादा लाइव सेशनस होंगे हमारे यूट्यूब के ऊपर और उसके अलावा जो है मेन काम अपने अकाउंट पर फोकस है वी पे फोकस है ठीक है तो उसमें कुछ हमने और इम्प्रूवमेंट की है और चीज़ें जो हैं थोड़ी सी और बेहतर होंगी बहरअली आपको एटी से सेल बताई थी ये आपके सामने मार्केट एटी पॉइंट फाइव की है सेवेंटी एट पे मार्केट खड़ी है सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सेवन लगा के आई हुई है तो ठीक है इतना अच्छा मार्केट में मैं आप सारों को यही बात कर रहा हूँ कि देखें आ, सेंटा रैली आनी है और सारा उससे पहले बात की है ठीक है अभी ऊपर के लेवल्स ओपन है ओपन आपके पास ठीक है इधर से यहाँ से देखिए मार्केट के ऊपर मैं वैसे बात करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा ऑलरेडी जो बात है एनालिसिस है वही है और बाकी जो एनालिसिस है वो प्रॉपर जो ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे उसके बाद ही आएगा तो वीडियो में क्यों बना रहा हूँ देखिए वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता दूँ और उसके अलावा अच्छा देखें एक मार्केट होती है डेट इज़ कॉल्ड ट्रेजरी मार्केट ट्रेजरी मार्केट के अंदर इस वक्त काफ़ी बंदा बंदा तो कह रहा हूँ हेज फंड्स शॉर्ट बैठे हैं और हेज फंड्स में भी स्पेसिफिकली सी यानी कि आप इनको कह लें सिस्टमेटिक ग्रुप रहती है हेज फंड्स की भी किस्में रहती हैं ठीक है थीके? तो दे आर मोर लाइक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिनका रहता है उस टाइप के हेज फंड्स रहते हैं ठीक है थीके? अब ये लोग शॉर्ट्स क्यों बैठे हुए हैं कंजर्वेटिव भी हैं कंजर्वेटिव माइंड सेट है, है शॉर्ट भी बैठे हैं क्यों देखें रीजन सिंपल है हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है रेड कट रेड कट ठीक है और इसके ऊपर मैं एक और आपको मैंने पहले भी ये चार्ट दिखाया हुआ है अगर आप ये चार्ट देखें ये चार्ट है बेसिकली टेन ईयर्स माइनस टू ईयर्स का ठीक है ये इसके अंदर एक पैटर्न बन रहा है अगर आप इसमें देखें एक फॉलोइंग वेज टाइप बन रहा है और ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ये बेसिकली चार्ट आपको क्यों दिखा रहा हूं ये वो चार्ट है जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि रेट कट्स होने लगे हैं ठीक है थीके? और मतलब ये सिर्फ फेड डॉट प्लॉट हो गया फेड की प्रोजेक्शन होगी वो सारा कुछ आ, फेड वॉश टूल हो गया बाकी चीज़ें होगी वो सारा कुछ अलग है ये एडिशनल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है काफ़ी चीज़ें आपको चार्ट से देख के पता चल जाती हैं द थिंग इज इसका आपको चार्ट को देखना आना चाहिए ठीक है सिर्फ ये गोल्ड या और ये चीज़ें नहीं होती मार्केट इनसे बहुत ज़्यादा बढ़िया है तो ये चार्ट आपको रेट कट्स के बारे में इंडिकेट कर रहा है और इसके अलावा अगर आप और सारी बात है ऑयल के ऊपर मैंने काफ़ी बात कर चुका हूँ वॉर के ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है तो अगर आप इसको देखें ये ऑयल अगर ऊपर जाता है और हमारे पास जो कमिंग सी पी डाटा है तो ऑयल के ऊपर जाना एक्स एन जी का दोबारा ऊपर जाना ग्लोबल टेंशन की वजह से जो भी मसले मसाइल हैं तो वो ये क्या इंडिकेट करता है इनकमिंग इन्फ्लेशन ठीक है तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन दोबारा आप टिक पकड़ सकती है आ, बट आई डोंट थिंक इतना कोई इफेक्ट पड़ेगा लेकिन ऑब्वियसली जो डाटा वाइज उस दिन का डाटा है वो आपको करेगा तो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि सी क्या आ सकता है आने वाले वक्त में क्योंकि आ, न्यू ईयर में जाने से पहले जाते शायद हमारा जो मेन इवेंट है वो सी का इवेंट है ठीक है और यू यूर्सटी जी पी पी यूर्स टी ऑबियसली बाई साइड के सारे टारगेट्स कम्प्लीट हो रहे हैं आपके सामने मार्केट मेरे खेने ख्याल की कुछ कहने की ज़रूरत है डिक्सी आपके सामने ठीक है वन है? पॉइंट टू एट टी पी किधर खड़ी है मार्केट ठीक है मैंने आपको कल ही कहा था कि एक दो दिन में टारगेट हिट हो जाएगा डिक्सी अगेन सही है ये टारगेट्स आपके सामने है। तो आ, क्लियर कट चीज़ें हैं इतनी कोई वो नहीं है बिटकॉइन मैंने आपको बताया था कि यार आपने आ, सेलिंग साइड पे फिलहाल नहीं देखना अच्छा बिटकॉइन देखें ऊपर जाके भी मार्केट तीस हज़ार बत्तीस हज़ार को टेस्ट कर सकती है और उससे भी नीचे भी और यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकती है ठीक है अभी तक ऑब्वियसली मार्केट प्रॉपर बेरिश नहीं हुई बट आप इसको अगर स्विंग एंट्री एक डालना चाहो तो एक एंट्री यहाँ पर डाल सकते हो ऊपर फिर फोटी एट फोटी आप जहाँ पर रिजेक्शन मिले वहाँ पर आप बाकी डाल सकते हो ठीक है जैसे आप इसको प्ले करना चाहें तो मेन चीज़ मैं आपको जो बता रहा था वो थी आपके पास ये चार्ट ठीक है आ, इसके अलावा देखें रिसेशन की तरफ भी थोड़ी सी कहानी जा रही है फेड जो है उसने जो इंडिकेशन दी है ना वो रिसेशन भी हो सकती है ठीक है और जब चीज़ें थोड़ी सी सामने आती हैं तो वो सारे मामलात रहते हैं अच्छा कुछ न्यूज़ में आपसे एक और शेयर करना चाह रहा था कि ग्लोबली डिफेंस बजट पूरी जो आपके पंद्रह बीस टॉप कंपनीज हैं डिफेंस सेक्टर में उनका जो बजट है वो काफ़ी रिकॉर्ड हाई पहुंचा हुआ है यानी कि वो जितनी स्पेंडिंग बजट में करते हैं यानी न्यूक्लियर्स के अंदर या वेपन्स के अंदर एमोनेशन के अंदर फंडिंग के अंदर वो रिकॉर्ड हाई पहुंचा हुआ है और उसमें यूएस की कंपनीज इन्वॉल्व हैं यूके की कंपनीज़ इन्वॉल्व हैं फ्रांस है जर्मनी है डिफरेंट बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं और आपको पता है कि अगर स्पेंडिंग ज़्यादा हो ठीक तो है तो इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखना है ऑब्वियसली लेकिन ये थोड़ा सा बिगर पिक्चर है आराम से वो ऑर्डर ऑर्डर बुक होती है वो ऑर्डर बुक पूरी कंप्लीट होगी यानी कि हमें पचास टैंक चाहिए उसकी वर्थ इतनी है ठीक है हमें दस हज़ार एमुनेशन चाहिए फलानी गन का तो उसके अंदर भी टाइम लगेगा उसको ऑर्डर को कंप्लीट करने में फिर वो पैसे डिलीवर करने में क्योंकि बिलियंस ऑफ ऑर्डर है एट हंड्रेड बिलियन डॉलर की बात हो रही है वो सारा ट्रांसफर आगे पीछे तो वो टाइम लगता है तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है मैक्रो बात है उसके ऊपर तो उस परस्पेक्टिव से आपने चीज़ को देखना है। ठीक है मैं डेली के हिसाब से वीडियो नहीं बना रहा ऑल ये डेली की आपको प्ले के अंदर मिलेंगी लेकिन ये बात मैं आपको स्पेसिफिकली लॉन्गर टर्म माइक्रो पिक्चर में आपको बात कर रहा हूँ ठीक है मैंशन कर रहा हूँ तो ये चीज़ हो सकती है इसको थोड़ा सा देख लें दूसरा ऑयल के ऊपर अगेन मुझे सेलिंग फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही कहीं पे भी ऑयल में तो एहतियात करनी है ठीक है और गोल्ड या देखो मैं आप लोगों को ट्रेडिंग की वजह से इसलिए मना कर रहा हूँ कि देखें आराम से अगले साल कर लेना क्या मसला है क्या जल्दी है यहीं है मार्केट आप भी यही है कोई मसला नहीं है ठीक है आराम से कर लें कोई इशू नहीं है अच्छा दूसरा एक हमारे पास एक डाटा आया था रिसेंटली जो पी सी का डाटा था पी सी डाटा काफ़ी ज़्यादा नीचे आया मैं इसको पहले भी कवर कर चुका हूँ ये सिर्फ पी डाटा नहीं आया आपके पास कोर पी डाटा भी आपके पास अच्छा खासा नीचे आया था ठीक है तो ये काफ काफ़ी अरसे बाद पहली दफ़ा नीचे आया और उस दिन में बाइडन की स्टेटमेंट भी देख रहा था वो कह रहा था कि हमने इकानमी काबू कर लिया है सारे मसले हल हो गए हैं कुछ भी नहीं है तो वो भाई साहब विक्ट्री सेलिब्रेट करें ऑनेस्टली तो, मुझे ऐसा लगता है कि सारे नंबर जो है ना वो मैनिपलेटेड है बिकॉज अगर आप रियल में किसी यूएस के बंदे से पूछें तो वही चीज़ें उसी तरह महंगी हैं किसी जगह पे कोई डिस्काउंट नहीं हुआ तो अच्छा एक चीज़ और नेश के बारे में आपको थोड़ा सा करते हैं नेश में देखें स्टिल रूम आप ऊपर वाली साइड पे है और डेट मैंने इसकी निकाली हुई है कि कब आ सकता नीचे सारा कुछ बट वो अगेन वी के अंदर शेयर होगा आई एम नॉट टेलिंग दैट इन्फॉर्मेशन हेयर ठीक है बट ऑबली uh, ये लेवल्स आपके सामने हैं यहाँ से आप सेल देख सकते हैं ठीक है डेड्स ऑल आई कैन सेल क्या कहाँ तक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किन वजह से मार्केट गिर सकती है और कैसे है और आपको ये मैं भी बता सक चुका हूँ कि अगले साल ही मार्केट नीचे आएगी ठीक है एटी नाइन्टी परसेंट चांसेज यही हैं और अभी तो वैसे ही दो तो तीन दिन रह गए हैं तो जारी हर बंदे को क्लियर हो गया लेकिन मैं जो दूसरे ग्रुप में हम बात कर रहे थे जब हमारा ये चैनल शायद स्टार्ट भी नहीं हुआ था उस वक्त से अगर कुछ बंदों को बात याद आए तो मैंने बात की थी कि नेश इस साल एंड जो है वो बुलिश करेगा अगर किसी को याद है तो कमेंट में जरूर बात करना ठीक है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहूंगा डेट इज रिलेटेड टू जो पैसा यूएस के बैंकों से निकल कर स्टॉक मार्केट में आ रहा है क्रिप्टो में आ रहा है एक्सट्रीम फियर मचा हुआ है इस वक्त मार्केट्स के अंदर और अगर इसको हम देख लें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को अगर आप देख लें सिंपल आप लिखेंगे आ जाएगा 78 एट पर पहुंचा है लास्ट आई थिंक थे इसकी 79 नाइन की क्लोजिंग थी आ, 77 सेवन की तो ये अगेन जा रहा है ऊपर और जैसे हमारी पॉकेट ऊपर जाती है तो देखते हैं इसको एटी एटी फाइव पर दोबारा देखेंगे ठीक है अच्छा ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये पैसा बेसिकली एक्सेस सेविंग और बैंक्स का पैसा है एक्सेस सेविंग वो पैसा है जो पेंडेमिक के दिनों में सेव किया हुआ था ठीक है और इस पर हम काफ़ी बात कर चुके थे कि वो थोड़ा सा हो रहा है बट स्टिल ऐसे साइंस हैं कि आप समझ लें कि स्पेंडिंग और इंक्रीज हो सकती है और स्पेंडिंग कौन से सेक्टर में इंक्रीज़ हो सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ देखें डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं वो तो लोगों ने लेनी है ठीक है अपना ब्रेड लेना है अंडे लेने हैं दूध शूध लेना है ऑयल है गैस वगैरह फिलिंग करनी है सारा कुछ है, वो तो चलना है उसके अलावा की बात करते हैं उसके अलावा जो खर्चा आ सकता है वो आपका हाउस रिपेयरिंग के ऊपर बेसिकली खर्चा आ सकता है अब हाउस रिपेयरिंग में क्या आता है आपके पास ठीक है आपकी खिड़कियाँ दरवाजे ये सारा कुछ ये बाहर के मुल्कों में घर शहर बहुत पुराने बने हैं और यहाँ पर ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं देखा जाता पाकिस्तान इंडिया की तरह के यार अपना करो ये सारा कुछ हो इस तरह चीज़ें नहीं देखी जाती ठीक है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ, आपको पेपर वर्क और बाकी चीज़ें करनी पड़ती हैं ठीक है तो हाउस रिपेयरिंग के अंदर सारा कुछ आ जाता है जो एक हाउस के अंदर चीज़ ख़राब हो सकती है ठीक है खिड़कियाँ दरवाजे इवन वॉल्स पेंट्स फर्नीचर एवरी तो इस जगह पर आपकी कंज्यूमर स्पेंडिंग आ सकती है ठीक है इस जगह पे आपकी कंज्यूमर स्पेंडिंग आ सकती है ये टॉपिक फिर कभी डिस्कस करेंगे लेकिन मैं आपको हिंट देता जा रहा हूँ अगर कोई बंदा समझना चाहे या किसी बंदे को आइडिया लगाना हो तो वो कर सकते हैं ठीक है इसके अगेन क्या मसला आएगा कंज्यूमर स्पेंडिंग होती है तो क्या मसला आएगा आई थिंक काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं ठीक है आ, लास्ट चीज़ बिट के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ बट इसके ऊपर एक चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन के ऊपर फ्राइडे को एक अच्छा मेजर ऑप्शन एक्सपायरी है ठीक है अब ऑप्शन एक्सपायरी जो है ना वो हाईली वॉलेटाइल इवेंट है और आपको मैंने बताया है कि नाइन्थ जनवरी यानी कि टेंथ कर लें आप टेंथ से पहले पहले एस सी सी का डिसीजन भी आना है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मिला कर चलनी है और अगेन मैं एक बात क्लियर कर दूँ बिल्कुल क्लियर कर दूँ यहाँ पर बाय अगर आप बिटकॉइन में बैठोगे तो एसएल लगा कर बैठना है ठीक है स्कैल्पिंग उसको लेनी है ट्रेड इंट्रा डे लेनी है अदरवाइज़ मैंने क्या बात की है कि यहाँ से एक स्विंग एंट्री अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो ऊपर 45 48 के पास एक और ऐड करनी पड़ सकती है ठीक है टारगेट 30 से बत्तीस हज़ार का है अब माननी है बात ठीक है अब बीच में आपने वो स्कैल्पिंग करनी है पाँच मिनट में दस मिनट में पंद्रह मिनट में एक घंटे में, में चार घंटे में वो अलहदा चीज़ है मेजर आपको मैं बता रहा हूँ ट्रेंड रिवर्स होने से पहले बता रहा हूँ कि ऐसा होगा ठीक हो गया अब यहाँ से ऊपर फोर्टी फाइव तक फोर्टी सिक्स तक फोर्टी एट तक आपने बाई में भी रहना है तो उसको भी मैंने आपको कह दिया कैसल के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं ठीक है एक और चीज़ आज के दिन सोलाना जो है वो थोड़ा सा पंप हो सकता है तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना ठीक है ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जाए ही जाए जस्ट एक क्योंकि ऑलरेडी देखो काफी पंप हो चुका है तो अब जब मार्केट इतना पंप करके आ जाती है ठीक है ये देख लो कितनी बड़ी मूव है तो उसके बाद फिर उसको दोबारा ऊपर लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बट स्टिल मैं आपको कह रहा हूँ कि पंप थोड़ा सा सोलाना इसके ऊपर नज़र रखो कि सुलाना जो है थोड़ा सा पंप हो सकता है ठीक है ये भी एक कॉइन है फैंटम इसको भी देख लेना डॉट मैं प्रॉपर एक वीडियो डालने लगा हूँ बट डॉट जब तक दस डॉलर से नीचे है अच्छी इसमें लॉन्ग टर्म आप लोग भाई देख सकते हो ठीक है मैं प्रॉपर एक इसके ऊपर वीडियो डालने लगा हूँ आजकल में इनशाला ठीक है बाकी यही वीडियो के लिए था अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट लाजमी करें शेयर इसको लाजमी करें ठीक है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज साइनिंग आउट टेक केयर एवरी वन